एनएसयूआई के द्वारा दिया कुलपति के नाम ज्ञापन। एनएसयूआई ने बताया कि स्थानांतरण विद्यार्थियों को परीक्षा ओपन बुक करान द्वारा कराई जाए। कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि स्थानांतरण के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। वहीं दूसरी ओर स्नातक के विद्यार्थियों की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न्याय उचित नहीं है। 9 माह तक कॉलेज बंद रहे हैं। 20 जनवरी के बाद नियमित कक्षा शुरू हुई, जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है। ऑनलाइन कक्षा और से कितने अच्छे परिणाम नहीं आ सकते, और साथ ही कॉलेज में पानी को लेकर समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। साफ सफाई को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है, इसको लेकर भी एनएसयूआई के सदस्यों ने प्रचार से चर्चा की है। संवाददाता हरीश व्यास की रिपोर्ट। आज हमने विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें कोरोना संक्रमण का अभी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 9 माह से पिछले कॉलेज बंद थे। अभी वर्तमान में कुछ समय से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, जिसका कोई प्रभाव नहीं रहा, और विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिया और उनकी एग्जाम अप्रैल से प्रारंभ कर दी, जो कि विश्वविद्यालय छात्रों के साथ भेदभाव की नीति अपना रहा है, और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, जो कि सही नहीं है। छात्रों को अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और विश्वविद्यालय छात्रों को मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। हमारी विश्वविद्यालय से यही मांग है कि छात्रों को ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से, ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा करवाई जाए। सर, अभी एनएसयूआई के छात्र आए थे, उन्होंने कोई ज्ञापन दिया है सर? जी, किस समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया है? उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो स्नातक स्तर की परीक्षा है ऑफलाइन मोड में हो रही है, मतलब पेन पेपर्स के साथ में होंगी, है ना, उसको ओपन बुक परीक्षा का माध्यम से किया जाए, इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनका ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के नाम है, जो उनको तत्काल पहुंचा दिया। सर, पीने के पानी की समस्या के लिए भी बोल रहे हैं, समस्या है, उन्होंने ज्ञापन दिया था, अभी आज उन्होंने बताया है, फिर दिखवा लेते हैं। बीच में हर लगातार इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर किया जाता है, बीच बीच में खराब भी होती रहती है, ठीक भी कराते रहते हैं, फिर ठीक करा दिया जाए। सर, गर्मी का मौसम है, इससे ठीक करा दी जाए, कितने समय में हो जाएगा सर? बिल्कुल तत्काल आज ही दिखवा लेंगे, देख लेते हैं, उसमें अगर छोटी मोटी खराबी होगी तो आज ही ठीक हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी होगी तो 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ज़्यादातर इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।